रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक फिर से टीम इंडिया के लिए खेलने की उम्मीद कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा वो इस साल के अंत में ऑस्ट्रेलिया का दौरा करने वाली T20 विश्व कप में भारतीय टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं और साथ ही भारत को T20 विश्व कप जिताना चाहते हैं जो ऑस्ट्रेलिया में 16 अक्टूबर से 13 नवंबर के बीच आयोजित किया जाना है। ये 7 स्थानों मेलबर्न, सिडनी, ब्रिस्बेन, एडिलेड, जिलोंग, होबार्ट और पर्थ में खेला जाएगा। आखिरी बार 2019 विश्व कप में भारत के लिए खेलने वाले कार्तिक इस बार ऑस्ट्रेलिया में टीम को ट्रॉफी जिताने में मदद करना चाहते हैं। कार्तिक ने विराट कोहली से कहा, एक छोटी अवधि का लक्ष्य होता है और एक लंबी अवधि का लक्ष्य। छोटी अवधि में RCB के लिए खेलना रहता है और देश के लिए खेलना बड़ा लक्ष्य होता है। उन्होंने आगे कहा कि मुझे पता है कि विश्व कप नजदीक है, मैं विश्व कप का हिस्सा बनना चाहता हूं और भारत को विश्व कप में जीत दिलाना चाहता हूं। इस बीच विराट कोहली ने भी कार्तिक की बल्लेबाजी की सराहना की और RCB की जीत का आनंद लिया। टीम अंक तालिका में 30 स्थान पर पहुंच गई है। विराट कोहली ने कहा, क्या खेला आपने, मजा आ गया। वहीं भारतीय क्रिकेट के दिग्गज सचिन तेंदुलकर ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक की बल्लेबाजी की सराहना की है। कार्तिक ने वानखेड़े स्टेडियम में दिल्ली के खिलाफ नाबाद 66 रनों की पारी खेली। 36 वर्षीय कार्तिक ने फैब डु प्लेसी की अगुवाई वाली RCB में इस सीजन में खेले गए लगभग हर मैच में अभी तक शानदार प्रदर्शन किया है। इसके बाद क्रिकेट जगत में कार्तिक चर्चा का विषय बन गए हैं और इस साल के अंत में ऑस्ट्रेलिया में होने वाले T20 विश्व कप के लिए उन्हें भारत की टीम में शामिल करने की मांग उठ रही है। तेंदुलकर ने कहा, RCB के पास दिनेश कार्तिक के रूप में निचले क्रम में एक घातक खिलाड़ी है। कार्तिक को क्रीज पर 360 डिग्री खेलने की क्षमता है, चाहे वो स्पिनर के खिलाफ या तेज गेंदबाज के खिलाफ। वो गेंद को देखने के बाद हिट करते हैं और जिस गति से वो लाइन और लेंथ को पढ़ रहे हैं, विश्व क्रिकेट में बहुत कम बल्लेबाज DK की तुलना में पढ़ पाते हैं। आई एम रिपोर्ट।